बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, मैं आचार्य विनोद भरद्वाज आप सभी लोगों का आज के इस सुंदर कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। महाशिवरात्रि का महा एपिसोड शत्रु पर विजय प्राप्ति के लिए करें यह सफल टोटका, शत्रु हो जाएगा धाराशाही, विश्वास करिएगा, क्योंकि महाशिवरात्रि विजय की रात्रि है, महाशिवरात्रि सफलताओं की रात्रि है, महाशिवरात्रि तंत्र टोटकों के द्वारा अपने जीवन को संवारने की रात्रि है। महाशिवरात्रि में किया गया कार्य आपके जीवन में हर प्रकार से प्रभावी होता है और आपके जीवन में सफलताएं दिलाता है। मैं नहीं कह रहा हूं, यह शिव महापुराण का अमोघ वाक्य है। कार्यक्रम को पूरा देखने का प्रयास करिएगा, यदि कार्यक्रम अच्छा लगे तो औरों के लिए शेयर कर दीजिएगा हमारे YouTube चैनल को। यदि आपकी इच्छा कहे तो जरूर सब्सक्राइब करके लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। अब बात करते हैं शत्रु नाशक सफल टोटका महाशिवरात्रि में कैसे करना चाहिए। देखिए, महाशिवरात्रि की अर्धरात्रि अर्थात ठीक 11 बजे से लेके 1 बजे का जो टाइम है वह शत्रु संहारक कहा गया है। इस समय भगवान शिव का एक विशेष अभिषेक होता है और वह अभिषेक आपके जीवन के तमाम शत्रुओं का संहार कर देता है। चाहे रोग से आप जो ग्रसित हो, रोग रूपी शत्रु आपको कमजोर करना चाहता है उसे भी संहार कर देता है। अज्ञानता, भय, भूत, प्रेत, व्याधियां आदि के रूप में आपका शत्रु आपको कमजोर कर रहा है, यहां भी यह टोटका काम करेगा। लेकिन सबसे अधिक काम करेगा यदि आपका कोई प्रबल शत्रु बना है और आपके कार्यों से उसे चिढ़ हो रही है, आपके अच्छे कार्यों से चिढ़ हो रही है, आपके कार्यों को खराब करने में वह दिन रात लगा हुआ है, आपके कार्यों के साथ साथ आपको भी समाप्त करने में वह लगा हुआ है, प्रपंच में लगा हुआ है, तो आप महाशिवरात्रि की अर्धरात्रि ठीक 11 बजे से 1 बजे के बीच में आप एक मिट्टी का शिवलिंग बनाए। ये मिट्टी का शिवलिंग आप दिन में ही मिट्टी डालें, मिट्टी कुम्हार के यहाँ की हो तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो बिल्लो के पेड़ के नीचे की या पीपल के पेड़ के नीचे की, आप 4 अंगुल ऊपर की मिट्टी हटा के नीचे की शुद्ध मिट्टी बिना कंकड़ वाली मिट्टी छान लें, उसे छान करके आप जो गूथ लें आप जो पानी में, और शिवलिंग के आकार का एक शिवलिंग बनाएं। इसे पार्थिव शिवलिंग कहा गया है। पार्थिव शिवलिंग निश्चित रूप से मनोकामनाओं को पूर्ण कराने वाला होता है, यह शिव महापुराण का वाक्य है। आप पूरब की ओर मुख करके बैठ जाएं, भगवान शिव का प्राण प्रतिष्ठा, भगवान शिव का अगर प्राण प्रतिष्ठा नहीं आती है तो ओम पार्थिवेश्वराय नमः आवाहयामि इस मंत्र को पढ़ करके आप जो है जल से स्नान कराएं, हल्दी, चावल, रोली, मौली आदि से भगवान शिव को निवेदित करें। इसमें जो हल्दी चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, हमसे जो निकल गया, लेकिन चावल, रोली, मौली, चंदन, फूल, माला, धूप, दीप, भांग पत्र आदि से भगवान शिव की पूजा करें। उसके बाद शुद्ध सरसों का तेल, जो शत्रु नाशक है, शनि का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि कहा गया है शनि ग्रह यदि अच्छा हो ना तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति, शक्तिशाली से शक्तिशाली व्यक्ति आपका बाल बांका भी नहीं कर सकता है। शनि महाराज आपको सर्वत्र विजयी प्रदान कराएंगे। आप सरसों का तेल ले लीजिएगा, रुद्राष्टाध्यायी याद ना अगर आप जो पढ़ सकते हैं तो पूरे अष्टाध्यायी को पढ़ते हुए सरसों के तेल से अभिषेक करिएगा। नहीं अगर आपको रुद्राष्टाध्यायी आती है तो आप जो है महामृत्युंजय मंत्र ओम त्रयंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्यो मुक्षीयमामृतात् इस मंत्र से आप जो है 11 बार, 21 बार, 51 बार, 108 बार जितना तेल हो उतनी देर तक अभिषेक करते रहें। बाद में उस तेल को ले जाके पीपल के पेड़ के पास जो है अर्पण कर दें दूसरे दिन।
यदि महामृत्युंजय मंत्र नहीं याद है तो ओम चंद्र मौलेश्वराय नमः इस मंत्र का लगातार पाठ करते रहे, ओम चंद्र मौलेश्वराय नमः या ओम महाकालाय नमः इस मंत्र का भी पाठ कर सकते हैं। इस मंत्र का तब तक पाठ करते रहे जब तक आपका सरसों का तेल समाप्त न हो जाए। इसके बाद आप आरती करिए भगवान शिव की। आरती संपन्न करने के बाद दूसरे दिन भगवान शिव को विसर्जित करिएगा किसी आप जो नदी में या किसी आप जो जलाशय में, और तेल को पीपल के पेड़ के पास अर्पण करिएगा। ध्यान रहे किसी के पैर के नीचे ना पड़े, इसलिए पीपल के पेड़ के नीचे थोड़ा सा आप जो गड्ढा करके उसमें तेल डाल करके हो सके तो ऊपर से मिट्टी डाल दें। आपका यह सफल टोटका देखिएगा आपके शत्रु के निश्चित रूप से चूल्हे को हिला देगा, खूंटे को कमजोर कर देगा। आपका शत्रु आपके चरणों में आके गिर पड़ेगा। आप अपना के देखिएगा। कार्यक्रम अच्छा लगा है तो महाकालाय नमः इस मंत्र को लिख करके मुझे सूचित करिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।